मेरी अस्थि को तुम क्या पहचानोगे साहब, हजारों मशहूर हो गए हैं मुझे बदनाम करते करते। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएससी ग्रुप डी की 59,000 पदों पर भर्ती। जी हां साथियों, आप भी चौंक गए होंगे कि आखिरकार 13,500 पदों की भर्ती की हम चर्चा सुन रहे थे और अचानक 59,000 पद कैसे हो गए। बताएंगे क्या कट ऑफ रह सकती है, क्यों कट ऑफ कम जाने वाली है, क्यों जिसके कम नंबर है उसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे, जो लॉजिक हम आप आज आपको बताने वाले हैं वो लॉजिक आपको समझ आएगा, इसलिए वीडियो बीच में मत छोड़िएगा एक तो। और साथियों, आज आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। एचएससी ने एक तो बहुत शानदार कदम उठाया है, चारों शिफ्ट में जो एग्जाम लिया है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से एग्जाम हुआ है। फर्जीवाड़े की शुरुआत में खबरें आ रही थी एग्जाम से पहले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया साथियों, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से पेपर हो गया है। लेकिन अब आगे के एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं, पूरा एनालिसिस आपको विस्तार से बताया जाएगा। कट ऑफ आखिरकार क्यों कम रहेगी, आपको पता है अगर 59,000 पद भरे जा सकते हैं तो फिर कट ऑफ तो अपने आप कम आएगी। फिर तो आपको पता है जिसके 60 नंबर बन रहे हैं, जिसके 65 नंबर बन रहे हैं, वो कैंडिडेट भी खुश होगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको यह भी तो जानना जरूरी है कि आखिरकार 59,000 पद आए कैसे, बताएंगे साथियों। लेकिन उससे पहले आपका सपोर्ट बेहद जरूरी है। एक तो मैं पहले बता देना चाहता हूं, विश्वसनीय चैनल है, कभी फेक न्यूज नहीं देते हम। जो भी अपडेट होता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। अब साथियों, ये वीडियो बनाने का मुद्दा क्या है, ये आपको धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ने से आपको भी समझ आ जाएगा कि आखिरकार हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट बेहद जरूरी है। और इस वीडियो को आप हमारे और वीडियो को आप शेयर करें ना करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस वीडियो के लिए हमने 1,000 लाइक का भी टारगेट रखा है। आप साथियों शेयर क्यों करवा रहे हैं, आपका बेनिफिट होगा। अगर आपके 65 नंबर बन रहे हैं, आपके 60 नंबर बन रहे हैं, आपके 70 नंबर बन रहे हैं, 68 बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है। आप ही के लिए आवाज उठाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं ग्रुप डी में आपके 70 से कम या 75 से कम कह सकते हैं साथियों, 75 से कम अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आपके 60 हो, 62 हो, 65 हो। अब आप सोच रहे हैं 60 वाले, जी हां साथियों, एससी कैटेगरी या बीसीए कैटेगरी में 60-62 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद खुद आप कहोगे कि जी हां साथियों, ये बात सभी साथियों को आप कहते फिरोगे कि ये बात सही है, अगर ऐसा होता है तो सिलेक्शन हमारा पक्का है। तो साथियों, एक तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। अब आते हैं मुद्दे पर बात, 59,000 पद हुए कैसे। अब आप सोच रहे हो ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट आई 13,536 पद के लगभग हैं, तो फिर 59,000 पद कैसे हुए। अब आपको बताते हैं साथियों, इस ग्रुप डी एग्जाम में जिसमें 13,75,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म भर रखा था, उसमें 8,51,000 के लगभग, यानी 8.5 लाख के लगभग कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। लेकिन इस 8.5 लाख में टॉपर कैंडिडेट यानी कि एवरेज हैं, एग्जाम सरल आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी सरल रही है, आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है वो खुद बताएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है। किसी टीचर या किसी प्रोफेसर के कहने से शिफ्ट हार्ड नहीं होगी, वो फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है, उस फॉर्मूले के ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए तो महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, कि कोई भी शिफ्ट हार्ड हो, आपकी शिफ्ट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन अपने आप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि ग्रुप सी की भर्ती जो 32,000 पदों के ऊपर होनी है, क्या जो 32,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन कैंडिडेटों ने ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दिया है। जी हां साथियों, दिया है। क्या जो कैंडिडेट पुलिस भर्ती में सिलेक्ट होंगे, अगर कोई कैंडिडेट ग्रुप डी का कर्मचारी है और पुलिस में सिलेक्ट होता है, वो छोड़कर नहीं जाएगा, जाएगा। अगर वो पुलिस में सिलेक्ट होने की क्षमता रखता है तो क्या वो ग्रुप डी में सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है साथियों। इसके अलावा क्या आप सोच रहे हैं कि टीचर, जो भी टीचर हैं वो ग्रुप डी के एग्जाम नहीं दिए हैं, दिए हैं। अगर कोई कैंडिडेट जॉब लग रहा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि
ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो ग्रुप सी की किसी पोस्ट के ऊपर है और उन्होंने टीचर की क्वालिफिकेशन उनके पास है, तो उन्होंने टीजीटी टीचर के लिए आवेदन किया हो, हम मानते हैं। लेकिन इतने बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे साथियों जो ऐसा पॉसिबल है कि वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भी हो और इन भर्तियों की तैयारी कर रहा हो, यानी कि हो सकता है ज्यादा पे स्केल वाली भर्ती की कोई कैंडिडेट तैयारी कर भी रहा हो, हम उसको भी मद्देनजर रख लेते हैं। लेकिन ऐसे हजार कैंडिडेट मिल जाएंगे साथियों जिनके पास जॉब होगी और वो कैंडिडेट ग्रुप सी भर्तियों की या टीजीटी की या जो हाई लेवल की जॉब पाना चाहते हैं, ऐसे हजार कैंडिडेट होंगे। फिर भी 58,000 कैंडिडेट, आंकड़ा 58,000 का इसलिए है साथियों 32,000 ग्रुप सी की पदों की जो भर्ती होनी है वो, 6,000 हरियाणा पुलिस की भर्ती, कितने हो गए 7,471 टीजीटी की भर्ती और 13,536 पदों के ऊपर तो ये ग्रुप डी की भर्ती हो ही रही है। यानी कि आपसे पहले जो 45,000 पदों के ऊपर ग्रुप सी की भर्तियां होनी है जिसमें पुलिस भर्ती, टीजीटी भर्ती और ग्रुप सी की 32,000 पदों के ऊपर भर्ती है, अगर ये 45,000 कैंडिडेट साथियों वो कैंडिडेट निकलेंगे 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है, 101% साथियों वो कैंडिडेट ग्रुप डी में सिलेक्ट होंगे क्योंकि उनकी बेहतर तैयारी थी तभी वो ग्रुप सी में सिलेक्ट हो रहे हैं। और अगर वो कैंडिडेट को छोड़कर भी जाएंगे ग्रुप डी को तो ये पोस्ट खाली होंगी, बाद में वेटिंग कब लगे कब नहीं लगे कितनी वेटिंग लगेगी इसका क्या पता है। 45,000 कैंडिडेट अगर 13,000 के ऊपर लगा दिया और सारे कैंडिडेट भी छोड़कर चले गए तो एक 13,000 की और वेटिंग लग जाएगी, फिर भी 26,000 हुए। लेकिन हम कह रहे हैं 45,000 पोस्टें अगर इस ग्रुप डी भर्ती से पहले भरी जाती है और उसके बाद ये भर्ती या ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो इसका मतलब ये है कि एचएससी 58,000 पदों के ऊपर ग्रुप डी की भर्ती कर रही है, ऐसा मान लीजिए आप। और उसके आधार पर आप आज जो कैंडिडेट कट ऑफ बता रहे हैं कि अगर ग्रुप सी की भर्तियां कंप्लीट होगी तो भी 70 से कम नहीं जाएगी कट ऑफ, एक बार आप अंदाजा लगाइए कि अगर 58,000 पदों के ऊपर आज के दिन इस ग्रुप डी की भर्ती हो जाए तो क्या कट ऑफ यही रहेगी, क्या 70 जाएगी कट ऑफ, कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ के महासर्वे का एनालिसिस हमारी पूरी टीम कर रही है और आज शाम को कट ऑफ का बड़ा धमाका होगा साथियों, विस्तार से कट ऑफ बताएंगे कितनी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको भी साथ देना होगा, सबसे ग्रुप सी की भर्तियां पहले कंप्लीट की जाए क्योंकि एचएससी का पहले प्लान भी यही था कि पहले ग्रुप सी भर्ती की जाए उसके बाद ग्रुप डी भर्ती की जाए, लेकिन कोर्ट केस में अटक गया है प्रोसेस। लेकिन फिलहाल ग्रुप डी की जल्दबाजी मत करिएगा साथियों, क्योंकि ग्रुप डी की हम जल्दबाजी करेंगे रिजल्ट की तो उस रिजल्ट की जल्दबाजी में हमारा ही नुकसान होने वाला है। अब आप समझ रहे होंगे पोस्ट एक खाली जाएंगी, ना तो हम लग पाएंगे ना और कोई लग पाएगा, लगना कोई नहीं है, अब आप देख लीजिएगा। अब एक बार कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि हमारा जो लॉजिक है वो गलत है क्या, जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो गलत है क्या। और साथियों अपने दोस्तों में अगर आपको सही लगता है वीडियो तो आप शेयर कर देना, नहीं लगता है तो आपका जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हैं। हमारा जो मोटिवेशन देने का या हम लगातार पॉजिटिव मुहिम छेड़ते हैं साथियों, नेगेटिव मुहिमों का हम कोई साथ नहीं देते क्योंकि लगातार आपने देखा होगा ग्रुप सी के जो सीईटी मामले में लगातार नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही थी। एचएसएससी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है एग्जाम लेने में, कहीं कोई भी इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि धांधली हुई हो एग्जाम में, बहुत बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ है। अब इसमें साथियों ये बारी है कि एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है जो टॉप कैंडिडेट है वो अगर ग्रुप सी भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं तो एवरेज स्टूडेंट ग्रुप डी भर्ती में सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आपके ऊपर है, आप वीडियो को कम से कम इतनी तो मुहिम में साथ दे सकते हैं वीडियो को शेयर करके। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।